लटेरी विदिशा 28 जुलाई हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में सीएम राइज हायर सेकेंडरी स्कूल में वन विभाग और स्कूल स्टाफ के साथ सैकड़ों छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक स्कूल ग्राउंड में आम, जामुन, कबीट, अमरूद, नींबू, संतरा आदि फलदार वृक्षों के पौधे लगाए, जिनमें से 2 से 3 वर्ष में फल आने लगेंगे, जो मात्रा स्कूली छात्र छात्राओं और स्कूल स्टाफ के खाने के काम आएंगे। इन वृक्षों से स्कूल परिसर में ऑक्सीजन की मात्रा का लेवल बढ़ेगा और पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। लटेरी नगर के अन्य सरकारी दफ्तरों में भी अनेकों जगह पौधारोपण किया गया और कई स्थानों पर अभी किया जाना बाकी है। लटेरी अदालत परिसर में भी मुख्य न्यायाधीश रईस खान के एवं अनेकों अधिवक्ताओं, वन विभाग कर्मचारियों और अनेकों पत्रकारों ने मिलकर पौधारोपण किया था। ठीक उसी तरह SDM कार्यालय में भी पौधारोपण किया जा रहा है। लटेरी को स्वच्छ वातावरण देने की नीयत से वन विभाग और प्रदेश सरकार की पहल सराहनीय है। सीएम राइज हायर सेकेंडरी स्कूल में आज पौधारोपण करने वालों में मुख्य रूप से वन विभाग कर्मचारी संजीव शर्मा, स्कूल स्टाफ प्रिंसिपल रामेश्वर शर्मा, समाजसेवी समाज सेवा समिति खिदमत इंसानियत के अध्यक्ष नसीम खान, हिंदुस्तानी राजीव सक्सेना, संतोष विरागी, रेंजर विनोद कुमार मास्टर, रफीक खान, वीरेंद्र सिंह शिक्षक और समस्त स्कूली छात्र छात्राएं शामिल रहे।